बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। न्यू काउंटडाउन बुक 4 पेज 5। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। न्यू थिंग्स है, इसलिए मैं तीन बार इसे रिपीट किया है कि ये नंबर्स हैं। देखिए, पहले तो ये नंबर्स पढ़ने भी सीखने हैं आपने, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये 62,345,000, 801। नेक्स्ट डिजिट 62,346,801। उससे नेक्स्ट डिजिट 62,341,000, क्योंकि ये दूसरा ब्लॉक जो होता है थ्री डिजिट का, ये थाउजेंड का ब्लॉक होता है। 801। दोबारा इसे रिपीट कर देता हूँ। 62,341,801। तो इन ये वो असेंडिंग ऑर्डर मालूम करने की एक स्ट्रेटजी है, एक तरीका है। आप क्या करें, इन तीनों नंबर्स को, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं एट डिजिट्स हैं, अगर नंबर्स भी तलाक बराबर हो, तो इनको यहाँ तरतीब से लिख लें। सबसे पहले आपने ये वाला पहला नंबर लिख लिया, फिर उसके बाद ये दूसरा नंबर लिख लिया, और ये फिर इसके बाद तीसरा नंबर लिख लिया। अब आप लेफ़्ट साइड से शुरू हों, ज़रा गौर करें, तो पहली रो में सारे 6-6 बराबर हैं, और उसके बाद 2-2 भी सेम है, 3-3 भी सेम है, 4-4 भी सेम है। यानी अगर यूनिट 10-100, यूनिट 10-100, 1000, 10,000, यूनिट 10-100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन। यानी प्लेस वैल्यू चार्ट में से देखा जाए तो सारे के सब के अंदर 8 वैल्यू हैं, और 8 वैल्यू जो होती हैं वो मिलियन और 10 मिलियन तक लिखी जाती हैं। कहाँ तक लिखी जाती हैं? 10 मिलियन तक। हम इनकी पहली जो 10 मिलियन वैल्यू भी सेम है, मिलियंस वाली वैल्यू भी सेम है। जब थाउजेंड के ब्लॉक में आए तो जो 100 है थाउजेंड, वो भी सेम है। फिर उसके बाद हम 10,000 में आए तो वो वैल्यू भी सेम है, 444। अब जबकि थाउजेंड में आए हैं तो इसमें क्या है, 5,801। जब उससे नीचे आए तो ये 6 है, ये क्या है, ये 1 है। तो उससे नेक्स्ट वैल्यू भी 801, इनकी सेम वैल्यू है। तो यहाँ हम ये स्ट्रेटजी सिखाएंगे कि ये बनता है 1000, ये क्या बनता है 6000, यहाँ पढ़ते हैं, और इसे पढ़ते हैं 5000। अब आप देखें, ये आपको नीचे ज़रा बताते हैं कि जो पहली वैल्यू थी, ये जो ये बनता है 1000, वन की वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या है, थाउजेंड। तो यह वन, बाकी जीरो जीरो लगाएं इसके आगे, तो ये बनता है 1000। इधर देखें, हमने सबसे पहले लिख लिया 1000, फिर उसके बाद क्या बनता है, ये वन के बाद फाइव आता है, ये सिक्स फाइव, तो 5000 लिख लेंगे, और फिर क्या है 6000। तो अब देखें 1000 लेस है, ये आपको कौन सा साइन है, लेस 5000 से, और 5000 क्या है, लेस है 6000 से। जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू को लिखना होता है तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, और फिर इससे बड़ी। तो अब देखें, जिसमें 1000 आता है वो वैल्यू सबसे छोटी है, तो ये इसमें 1000 आ रहा था, 6234 1801। ये सबसे पहले आएगी, फिर इसके बाद 5000 वाली वैल्यू, और फिर उसके बाद 6000 वैल्यू। ये हमने एक टेक्निक यूज़ की कि पहले वो 1000 तक वैल्यू चेक कर ली, कि 1000 लेस होता है 5000 से, 5000 लेस होता है 6000 से। बच्चों को यहाँ तक पता होता है, हमने कंपेयर किया, और फिर जिसमें 1000 था उस वैल्यू को सबसे पहले लिखना है, फिर लेस का साइन डालना है, फिर जिसमें 1 के बाद का डिजिट आता है 5, यानी 2345, 5 और 6 में पहले 5 वाला, फिर 6 वाला, फिर हमने वो लिख दिया। तो इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर आ गया, कि सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर मीन कि पहले ऊपर को चढ़ना है, नीचे से ऊपर, असेंडिंग कहते हैं नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाना। तो सबसे छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ, सबसे छोटी वैल्यू पहले आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और डिसेंडिंग ऑर्डर बेटा इससे उल्ट होता है, उसमें जो होता है आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की जाना चाहते हैं, यानी बड़ी पहले वैल्यू आएगी, उससे नीचे, उसके बाद उससे छोटी, और फिर उससे छोटी, बड़ी से छोटी की जानब जाते हैं। अगली एग्जाम्पल्स में यही पूछा गया है
फिर आपको 8 डिजिट नंबर दिए हुए हैं, ये देखिए 73,921,000 and 16. इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू है 73,921,816 और उससे अगली वैल्यू है 73,921,516. तो इनमें से आपने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में बेटा तरतीब देना है, पहले असेंडिंग था अब क्या है डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसमें आपने पहले बड़ी से छोटी की जानब जाना है, ऊपर से नीचे उतरना है, जैसे तो ऊपर से नीचे, लिफ्ट के बारे में सुना होगा, लिफ्ट जो होती है असेंड हो रही हो तो नीचे से ऊपर जा रही होती है, और जब नीचे उतर रही होती है हम उसे कहते हैं डिसेंड हो रही है। असेंडिंग और डिसेंडिंग में आपने फ़र्क समझना है। डिसेंडिंग की मीन कि आपने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आना है। तो आइए इन वैल्यू में से अब बड़ी वैल्यू कौन सी है, या आप उसी तरह से बॉक्स में लिख के भी इन वैल्यू को बता सकते हैं। अब लेकिन अब आपने क्या करना है, देखें अगर आप गौर करें तो पहली इनके 5 5 डिजिट सेम है, यहाँ तक ज़ुबानी भी अब हम कर सकते हैं बजाय टेबल लिखने के, ये 5 डिजिट तक ये वैल्यू सेम है, लेफ्ट साइड से 5 डिजिट तक इनकी वैल्यू सेम है। लेकिन उससे आगे आएँ तो ये देखें यहाँ है सिर्फ 16, 100 में 100 की प्लेस वैल्यू में कोई वैल्यू, ज़ीरो वैल्यू यानी 16 है, ये है 816, जबकि उससे नेक्स्ट वैल्यू में है 516। तो इसमें से सबसे ग्रेटर कौन सी है, 816। तो लिहाजा 816 वाली वैल्यू, क्योंकि हमने बड़ी से छोटी की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है तो डिसेंडिंग में ग्रेटर वैल्यू पहले आएगी, तो लिहाजा ये कितने 100 है, 800 ये पहले आएंगे, इससे बाद ये कितने हैं 500 हैं, तो 500 यहाँ आ गया, और फिर आगे उससे ये सिर्फ 16 है तो ये 100 इसमें कोई भी नहीं है, 000 ही लिखेंगे। लिहाजा हमें ये पता चल गया कि जिसके अंदर 800 है वो वाली वैल्यू सबसे ग्रेटर है, वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद वो जो वैल्यू नेक्स्ट 500 वाली आएगी, 500 किस में आता है इसके अंदर, तो ये वैल्यू आएगी 500 वाली उसके बाद, और उसके बाद जिसमें कोई 100 है ही नहीं है, 0 100 है, तो वो वाली वैल्यू उसके बाद आएगी। तो इसे यूँ ही पढ़ेंगे कि दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन दिस एंड दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन दिस। तो जो पहली सबसे बड़ी पहले आएगी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ग्रेटर वैल्यू पहले आती है, उसके बाद उससे छोटी, और उसके बाद उससे छोटी। ये हमारा आज का कंसेप्ट था, आर्टिकल था, कि वैल्यूज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना बेटा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।